ना मेन रोड यो तो वो काम हो रहा है तो बड़ करस्ते होने बंद हो गए थे पहले जाओगे क्यों करे ठेकेदार को फोन करके काम रुकवाया गया। रुकवाने वाले और कोई नहीं, नरेश कौशिक जो पूर्व विधायक बहादुरगढ़ से है। खुले आम नाम ले रहे भाई, किस चीज का डर है? हमारे पास प्रूफ है, कहते हो भाई हम वीडियो दिखा देंगे। अगर जो ने मना करी थी, ला भाई फोन दिखा। तेरी के सरकार है, इनकी तो है। मरया जाता नहीं, कसर के मरे नहीं। काम रुकवाने की कोशिश करी तो हमारे श्री राम इनको देखेंगे। बोलो जय श्री राम। लो भाई और नुका आ रहा श्री राम, जय श्री राम। और नुका अगर बुलाऊ का नाम ले दिया जी तो सब तो मोटी शर्मा हो तुमने। शर्मा लियो बिला, शर्मा शर्मी में शर्मा लो। ऊ तक क्या शर्मा होते, इतनी शर्म शर्म करती तो शर्माना पड़ेगा। ईब भी काम रुकवा तो फिर शर्मे कौन है? बार बार नरेश कौशिक कति खुले आम रुकिया मारा हम। हाँ कति खुले आम क्या हुआ का नंबर याडा लंबा लौटागा सुधा कति। हाँ अड़ा कति लंबा लौटाऊंगा कति। मिला कर तुमने भूल के भी ना दिया, गलती तो अभी जूते और लगेंगे। हाँ बोले 200-400 ले रही है ना ये ईब के। अगली बार ये भी साफ है जी, सीधी सी बात है। जो आदमी मर्द होगा ना वो रोड पाओगा, बाकी मुँह लोग होंगे वो। लो भाई यो लो, नारियल फोड़ दिया है रुके और काम का। नारियल आज खुद कॉलोनी वाले ने फोड़ना पड़ गया, खुद फोड़ना पड़ गया नारियल। बात कर लिया ये काम कराया था करा सरकार वाले, अगर भाई उद्घाटन कर दिया नू कर दिया। आज कॉलोनी वाले ने खुद फोड़ दिया। राम राम, अरे राम राम के आगे ना। एक बार भाई एक बार टियो रे माटी दिखा दूं मैं एक बार, या थोड़ी रे माटी ब्राउन माटी काली माटी पीली माटी लीली माटी सारी दिखा दूं। यो इतना सुथरा रोड है ना जो हाईवे एनएच वनबरगा बना रख्या, दो महीने हो गए परेशान हो रहे हैं। एनएच वनबरगा हाईवे बना रख्या, आड़े अगर आगे तो रोटिया का हजमा लोग आड़ा अगर गाड़ी में बैठ के अपने रोटिया का हजमा करण। अरे को ट्राई करा इसने करवाने की तो उसकी खा जाया करा भाई नाम। यो हमारा भारत देश महान, इस छोरे ने ट्राई करी थी अगर रोड बनवा दियो, इतना बनवाया भी इलेक्शन था पहले और फिर इलेक्शन पछाड़े रुकवा दिया। किसने जो पावर में है उसने ऐसा है, जिसकी लाठी उसकी मैस वो काम हो रहा है। तो साफ यह बात चल रही है, इतनी जनता जो खड़ी हाड़ है ये नया बात बताई है मृत। फिलहाल बात कर लिया राठी भाई, राम राम। राम राम जी। पार्षद हुई शरीर के जी, पर भारी बहुमत से जीते, आशीर्वाद है जी, हमारे बड़ों का आशीर्वाद है। फिर नुक्की हो रहा है, काम आप करवाओ, धरने आप दो, नामोर को खाने की तैयारी में के मामला था आज का। या जी सोच इसी हो जाएगा रे कुछ लोगों की। कुछ लोग क्या होते हैं, काम रुकवाने का उनका मोटिव होता है। जो हमारे वार्ड के जो लोग हमारे परिवार है, जो ये है हमारी जो ताकत है, इन्होंने जो मेहनत करी इस रोड को बनवाने के लिए, इस निर्माण को शुरू करवाने के लिए, हम आज से नहीं 2 साल से हम कभी DC के पास ज्ञापन दे रहे, DMC जज्जर के पास ज्ञापन दे रहे, SDM साहब खुद आए मौके पे मौका दिखाया और काम शुरू हुआ। भाई हम धन्यवाद करते हैं SDM साहब का कि भाई हमारा कौन आ गया बीच में, कौन नाम खाओ आपका। देखो ये भाजपा सरकार के जो लोग हैं, जिस तरीके से इनकी मोटिव है, इनकी मंशा है इस समाज में भाईचारा तोड़ने की, सबसे पहली मंशा तो ये है इनका। एक ही बात है शुरू से, भाई फूट डालो राज करो। एक अंग्रेज होया करते, दूसरे अंग्रेज ये है ना होते भाई बता दो। अंग्रेज ज्यादा भी बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, ठेकेदारों को पीटा जाता है और ठेकेदारों को डराया जाता है। आपको मैं बता दूं, सारे आ रहे हो, जिस दिन 31 जनवरी ने दोबारा काम शुरू हुआ उस दिन ठेकेदार को डराया गया, ठेकेदार को फोन करके काम रुकवाया गया। रुकवाने वाले और कोई नहीं, नरेश कौशिक जो पूर्व विधायक बहादुरगढ़ से है। खुले आम नाम ले रहे भाई, किस चीज का डर है? हमारे पास प्रूफ है, कहते हो भाई हम वीडियो दिखा देंगे। अगर जो ने मना करी थी, ला भाई फोन दिखा रहे। और दूसरे बाद में बात करूंगा, इतना वीडियो काट लो मैं, माता है तय बात कर लो। राम राम न्यू बताओ, क्या मामला हो रहा है, क्या मजरा हो रहा है भाई? अब खराब माटी और इकट्ठा हमें अड़क खाली जान के भी कौन सवारियां पता जब जाएंगे। बारिश आ गई तो करते लकड़न के कौन हरी बीमारी में पड़े रहो अगर आए। रोड अटकाओ बार बार, रोड अटकाओ बार बार, नरेश कौशिक कति खुले आम रुकिया मारा हम। हाँ कति खुले आम क्या हो गया था, क्या करते नरेश कौशिक ने काम रुकवाया था? यो रुकवा रहा क्या रे, मारे ठेकेदार ने भी पिटन लाग रहे। अच्छा और इस तपति क्या करेंगे,
अरे हम जितने अरे को फोन कर अगर वो आ गया हम खड़ी होगी ना सारी लोग आई अरे बाजा नहीं था होगा एक भी। हाँ हम अडे खड़े हैं इब का रोड बनामती है ना। अच्छा हाँ सिक्योरिटी थारी है। हाँ इब काम खड़ी है सारी कती सारी बाण कर ला लेडीज आ गए सारी बाण कर ला इब का सारी बिल्कुल इब के महिला शक्ति अगर होगी कान का मतलब यो गलत करने वाले ध्यान रखियो अरे तैयारी बैठ कती दो गलत करेगा अरे वो है का नंबर अरे लंबा लौटेगा सुधा कती। हाँ अरे कती लंबा लौटाऊंगे कती लंबा लुटाऊंगे इनका जो किसी ने रोड अटकाया था। हम देखी तक गए दो साल हो गए अरे खराब मट्टी हो रही हमारी। मैं राह दिखा दूं रोहित एक काम कर थोड़ा है ना तू थोड़ा और इन ब्रेन हुई है अरे राह दिखा दे यार है ना यार नारियल फोड़न थी एक मिनट यो रट जा बिटियो थोड़े यो नारियल फोड़न थी अरे मट्टी करनी पड़ी इतना छरा है अरे यो मीठा चढ़ा दिया मैं नब्बे नब्बे साल के जब ये बूढ़े आड़ खड़े खंडवे वाले आड़ खड़े हैं दिक्कत की है। हाँ भाई ये तो क्यों रे भाई साहब ने बुझो ये रे पाछे राम राम जी सारे दुखी है भाई सारी पब्लिक मतलब एक गली नहीं सात गली दुखी है यानी सारी मानस का मन सही तो गिनती है कौन वो मान से रिश्तेदारी थी दुखी होंगी सब किमत कोई आवे ही ना आयुरे ने आवे ही ना मैं यो तो वो काम हो रहा है तो बड़का रिश्ते होने बंद हो गए थे पहले जाओगे क्यों करे राम 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 अपने घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर है। बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते किसी को महिला को अगर डिलीवरी होनी हो ना तो वो यही हो सकती है ये हालात हो रही है। और नरेश कौशिक न कोई MLA न कोई पार्षद न चेयरमैन फिर वो बाधा डाल रहे हैं उसका मतलब ही नहीं है। आड़े तो खुले मन लगा है सिरा सीधा विरोध होने लग रहा है नरेश कौशिक का क्योंकि एक तो करते काम ना गबड़ा है एक करते काम की टांग खींचा रहे हैं। राजनीति चल रही है एक मिनट जी यहाँ पे राजनीति चल रही है। अगर उन्होंने नारियल ही फोड़ना था आज उनका काम था नारियल फोड़ने का मैं बता रही हूँ स्पष्ट ठीक है। लेकिन हमने पहले ही हमारे सारे इकट्ठे हो गए भाई नारियल फोड़न का हमारे दादा का क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं ये और इन्होंने मेहनत करके ये सब इकट्ठे कर रखे हैं। अगर वो उन्होंने नारियल फोड़ना था तो जनता को क्यों दुखी कर रहे हैं छह महीने पहले फोड़ते छह महीने तो नारियल फोड़ना नहीं सिर्फ फोड़ने वाला काम हो रहा है नहीं छह महीने पहले फोड़ देते कम से कम ये जो जनता इतनी परेशान हो रही है इनको तो परेशान नहीं होना होता ना रास्ता बनवाने लग रहे थे रास्ता रुकवा यो यो के जी माय उनका एक मिनट यो आधा रात तो बन लिया इवन के याद आई कारण कारण बताता हूँ एक बार नारियल फोड़ना है मैं उसका कारण दिखाता हूँ आज एक मिनट आप लोगों रुकियो मैं एक कारण देखा हूँ रठी साहब जो आपके MC साहब हो कारण बताओ अब भाई यो आधा रात बन लिया फिर इनका नारियल फोड़ना रास्ता बना था ना इनके कार्यकाल का ना इनने टेंडर लगाया SDM साहब ने ऑर्डर करे मौके पे पहुंचे यो काम शुरू करवाया इसकी पेमेंट हो चुकी है ठेकेदार की आधा रास्ता बन लिया उसके बाद कौन नारियल फोड़ा कर ये बता दो ना इन्होंने करा। अरे एक चीज और बताना चाहता हूँ कस्टडी में एक डॉक्यूमेंट होते हैं ठेकेदार के वो होते हैं नगर परिषद के उसमें से टेक्निकल सेंशन नाम का एक कागज निकाल दिया इन्होंने क्यों काम रुकवाने के लिए। अब कोई इनसे भाजपा वालों से पूछने वाला हो भाई ये जो कस्टडी में किसके में रहती है फाइल हमारे में तो नहीं रहती नगर परिषद के में रहती है नगर परिषद के मालिक अपने आपको कौन कहते हैं भाजपा के लोग कहते हैं तो वो कागज क्यों निकाला गया उसकी जाँच होनी चाहिए भाई ढूंढो कागज क्यों निकाला उस चीज के ऊपर इन्होंने डिले किया दोबारा से काम शुरू हुआ आगे तक पड़वा के छोड़ दिया उसके बाद बुरा हाल है आगे तक बुरा हाल कर रखा है बिरान माटी कर रखी है जी हमने गाड़ी गाड़ी भी नुआ दी रही खड़ी कर कहानी पड़ी है वहां जाड़ दूर चले गए कहते गाड़ी नहीं अरे रोड तक पाना नहीं सा काम हो रहा है फिलहाल बात कर ले रेड साहब आपसे तो बात कर लेंगे लेकिन जनता से मैं बात करना चाहूंगा जो क्योंकि मेन परेशान आज के टाइम की अगर बात करूँ तो जनता हो रही है क्या है जो क्या नहीं छोड़ रखे भाई सच्चाई तो यह है यो रोड है ना आड़े ईसा जब है जब यो थोड़ा मेंटेन कर क्या आगे के अगर माला दिखा दूंगा ना रोहित थोड़ा कैमरा आगे ले चल अरे दो जूम कर कौड़े थी हटियो भाई साहब हटियो थोड़े एक मिनट देखो कितना बढ़िया नेशनल हाईवे जूम करके दिखा दे थे कितना बढ़िया नेशनल हाईवे बना के दे रखा और छावी फेरी वाले थे उल्टे बढ़ जाए दूसरी गाड़ों में चढ़ जाए ब्लड के करेंगे आगे जा आप सुनाए है कितना बढ़िया नेशनल हाईवे इस नेशनल हाईवे को बनाना चाहो डंका रोड डंकी गाल लोगों के कड़े का दुखी हो जाना पड़ो छोटे छोटे दो दो तीन तीन चार चार साल के बालक महिलाएं कड़े दुखी होकर जान लग रही यो रोड बनाने में अटकन डाले हैं नरेश कौशिक विधायक ऐसा लोगों का कहना है
और स्पष्ट कैमरे के ऊपर भी ये बातें जो है इन्हें कही है। और बोले एमसी मारा बनवा तो उन्हें बनाने देते, क्यों वह बात राजनीति, राजनीति कैसी गंदी, अच्छी राजनीति तो इस देश के अंदर सिर्फ 1% पॉलिटिशियन होंगे जो करते होंगे। बिल्कुल इस वीडियो ने शेयर जरूर तो जरूर करते रहो। दुखी हो राम राम भाई सारे ने भाई, जितने नेताओं एन आर एल फोटन के वे दुखी हो, उनका बालक स्कूल जाता ना, उनके बाबू घर तो बाहर लेकर देना, जिन जो राजनीति कर रहे वे घर हम बड़े हैं, कह भाई मीडिया ली सारी अनागा आ गए, बोले आप काम नहीं होने देते, काम नहीं होने देते, मतलब ये मारे बनाए उड़े काम उनके बनाए उड़ा है जी, बहुत मुँह लोग आया कर रहे हैं, सीधी सी बात है, जो आदमी मर्द होगा ना वो उड़ पाओगा, बाकी मुँह लोग होंगे वो है? वो तो दो रुक वारे हैं वो हैं। अच्छा हाँ, मर तो रोड को पूरे चलेंगे, ये खड़े जो इतने वे भाई, मेन बात जो मेन बात के है, यो जो रोड था यो शुरू हो गया था, इनने देख लिया कि भाजपा की आड़े देता इसी माटी पलीट होगी, अगर बहुत कम वोट आई तो इनने के सोचे कि यो काम रुकवा दो, लोग बाग के सोचेंगे वार्डवासी अगर पार्षद काम नहीं कर रहा, मोहित मोहित जान लाग रहा रोज लोग आगे घर कट्ठे कर कर कट्ठे कर कर लेके जायो नगर परिषद में धरना देन लाग रहा, एसडीएम डीसी मेरे पास ट्विटर पे भी मैंने वो दे रखी है इसकी कि भाई इतने दिनों से काम क्यों रुका हुआ है, अभी मैं आपको डिटेल दे देता हूँ सारी, कोई भी है कोई भाई ये नूके है कनील भी जमारी बात मान्य है, मैं दिखा देता हूँ बिल्कुल, इन असल में तो इन नेता की आपस में नहीं बनती, अब के रोड काम रुकवाने की कोशिश की ना, हम हाईवे को जाम करेंगे पूरी कॉलोनी जाके, नेशनल हाईवे को जाम करेंगे, बिल्कुल देखिए हम आदमी क्या क्या नहीं करता, तो मैंने ट्विटर पर भी डाल रखी हमने सब ने, लेकिन इनकी मंशा क्या थी, काम रोक दो वार्डवासी क्या सोचेंगे, मोहित राठी काम नहीं करा रहा, अरे मोहित राठी तो लोगों ने ले लेके ना कितनी धक्के खाने लग रहा कि यो रोड बन जा, नहीं सच्चाई है, एक मिनट में महिला तो पूछा सच्चाई, ये जो लेडीज है ये जो इतनी सारी लेडीज है इनका घर में बैठ के काम करना होगा ना हक, या रोड पे खड़े होगा, मतलब हम ये बेचारी रोड बनवाने के लिए रोड पे खड़ी है, मतलब क्या राजनीति है फिर ये, तो ये कोशिश कर रहा है और कौन करेगा, सबसे पहले तो भाई जो भी गुनहगार है ना इसका उन्होंने प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे, ये जो हमारी माता है बहन रोड पे खड़ी करे की ना, इनका काम है इस टाइम, बहुत बढ़िया बात कहती जी ने, बोले इनका काम है इस टाइम जाकर अपनी रोटी पोड़ा बालक संभाल दे, और बालक भी घर में बढ़ते डर रहे हैं, बोले जेल पाया घर में बढ़ गया तो माँ गाल पक्के गिरे आराम जाते इब तो पोचा मरिया था इब तू आ गया ठाके थोपड़ा, ठीक बात है ना, हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाई बिल्कुल, ये माँ बेटे मोड़ रोला करवाऊंगी, तभी लड़ाई ये बेचारी धरने पे, हम कमेटी में जाकर जितनी भी लेडीज है सारी धरने पे बैठी रही है तीन तीन चार चार घंटे तक, वहाँ खूब नारेबाजी हुई, उस टाइम आके बोल दिया कि भाई ठीक है हम रोड कल से परसों से शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी कोई भी कार्रवाई नहीं, मुंह नाराज दिखाओ है, एक बार बात कर लो मुंह नाराज दिखा इनका, दुखी हो रहे हैं आंटी जी, राम 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 बेटा, घने दुखी हो रहे कितनी दूर तक मुंह दिखा, हाँ दुखी क्या थोड़े बेटा, देख लो फिर रोड का है काम है यही है, यहाँ पे दो पांच टिक्का है, और ये टिकन का रास्ता नहीं तो दुखी एक नहीं दुखी बहुत दुखी, अरे आते जाते वाले ने नहीं बतावा किसी ने, रात न आ है ना वे ज्यादा परेशान है, बिल्कुल अब बाहर के बंदे हैं वे ज्यादा परेशान, इस तरफ जाओ भाई इस तरफ जाओ उन नाम बतावा, बाहर निकल कर दरवाजा थोड़ा खोल कर ये भाई ये बाहर के बंदे हैं ये परेशान हो रहे, यहाँ पर खड़े हो जहाँ कल आकर गाड़ी स्कूटी कुछ खड़े हो तो बेटा हमने बात बताने का उनका रास्ते का हमारा फर्ज बना है, हाँ वे ज्यादा दुखी हम तो दुखी है लेकिन वो आने वाले भी ज्यादा दुखी है ना, कुल मिला के बात यह है, एक बार जनता से पूछ लूं आप सब कमरे खाली है कहना है कागली भरे, ये जो गंदी राजनीति जो लोग कर रहे हैं चाहे वो कोई भी है, हम किसी नाम जितने वोट नहीं मिला कर दी उन्हें, भूल के भी ना दिया गलती तभी जूते और लगेंगे, हाँ बोले 200-400 ले रही है ना ये, इनके अगली बार ये भी साफ है, जूते की माला कर लगी अगता है, अच्छा भाई इतने दुखी हो रहे हैं, ब्लैक कसर के में है नहीं और कर कुछ सकते नहीं, क्यों अगले सरकार क्या निकल रहा है, ब्लैक क्यों चौधरी और तेरी के सरकार है इनकी तो है मरिया जाता नहीं कसर के मरे नहीं, रे रे माटी मारे कल उन्हें किशोरी है, रे रे माटी नहीं ब्लैक, रे रे माटी काली माटी पीली माटी लीली माटी हरी माटी सारी माटी हो रही है भाई, मेन बात के है ये वोट मंगना है श्री राम के नाम पे, भाई एक मिनट जो हमारा एक अनवर डॉक्टर है उसके पेशेंट भी बंद हो गए आने, अच्छा हाँ डॉक्टर साहब बड़े हैं के
आइए बिजनेस में भी टोटा होने लग रहा है, डॉक्टर ने तो बकेश दियो कड़ा गए डॉक्टर साहब, आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ जी, आपका चर्चा हुई है अनवर डॉक्टर साहब, राम राम डॉक्टर साहब, नुकम मरीज आने बंद हो गए, आवे हैं तो को गोड्डा फुड़वाया को कोड़ी फुड़वाया, लेकिन बहुत सारे हैं ना, मत परेशान है वाक्य में, क्योंकि डिलीवरी पेशेंट है, वैसे भी हाथ पकड़ के चढ़ाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हालात बहुत खराब, 3 महीने हो गए हमने परेशान होते, कोई सुनाई नहीं हो रही, आज भी क्या होगा ये भगवान जाने, राम में जाने, हाँ। नारियल तो फोड़ दो, काम पूरा कद होगा, मेन बात के है श्री राम के नाम पे ये वोट मांगे हैं, अरे ये इतने लोग दुखी हो रहे हैं, ये रोज राम का नाम लेगा सोवा के राम क्यों करिया गली बनेगी, इन्हें जब नहीं दिखती ये काम रुकवाण था इनका, राम की चले जा भाई, राम तो हमारा सबका है, इनका अकेले का थोड़ी है, अगर भी इन भाजपा ने काम रुकवाने की कोशिश करी तो हमारे श्री राम इनको देखेंगे, बोलो जय श्री राम, लो भाई श्री राम, जय श्री राम, उन्नू कह अगर बिलाऊ का नाम ले दिया जी, तो सब तो मोटी शर्मा हो तुमने, ईब तो शर्मा लियो बिला, शर्मा शर्मी में शर्मा लो, वो तो क्या शर्माओ थे, इतनी शर्म करती तो शर्माना पड़ेगा, ईब भी काम रुकवाया तो फिर शर्मे को ना, फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दियो, अरे नुका एक दुखी होता आदमी क्या नहीं करता, आज वो काम कर दुखी होता ना, नारियल भी फोड़ लिया, प्रसाद भी चढ़ा दिया, और क्यों में कसर हो, दुखी तो इतने हैं, सुनने में न्यू आई है कि जो नारियल फोड़न वाले थे वे भाई 3 नंबर गली में भीतर बढ़ लिया, आन भी आने वाले, इब पहुंचने वाले हैं, बाट देख लेंगे, लाइव देखने लग रही है जनता, बाट देख लेंगे, उनका भी स्वागत है, देखो जो परेशान की तो इतनी परेशानी है भाई, मारे वार्ड के लोग 2 बार धरना दे चुके हैं नगर परिषद के बाहर, अपना काम छोड़ के रोड पे बैठना, किसी कार्यालय के बाहर बैठना कोई नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने पहले डीएमसी झज्जर खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने हमें टाइम दिया 10 दिन का, हमने भाई उनका सम्मान किया, उनकी बात का 10 दिन वेट करी, उसके बीच में होली आ गई, काम शुरू नहीं हुआ, दोबारा से धरने पर बैठे, ईओ संजय रो इलाजी उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा ना, ईओ कमेटी से, वो 1 हफ्ता भी चला गया, काम शुरू नहीं हुआ, उसके 3 दिन बाद हम दोबारा मिले हैं, काम शुरू होया, यो पड़वा के घेर दिया, मलबा ठवा दिया, उसके बाद जो चमाशे का हाल हो रहा है, पहला किसान मार रखे राम जी ने मार दिए, तो मैं सरकार ने उस पर बुंडा हाल भी एड कर रखा है समाज के साथ, बिल्कुल में टिक रखे कुल मिलाकर, लेकिन फिलहाल इस वीडियो थारा के कुछ खड़ा कमेंट करके बता दिया, अगर आएंगे तो उन तभी हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे, जो नारियल फोड़ना, वैसे तो जिसका हक है नारियल फोड़ने का, जनता का रोड है, जनता के पीछे का रोड है, सब कुछ जनता खातिर है, बनाए और भी जनता के, ब्लैक क्यों गुमान कर रहा है सरकार का, इन्हें तो वोट दी होगी पड़ जाएगी, के गणी वार लग गए 2024 लो वही है, फिलहाल वीडियो थारा के कुछ कहना कमेंट करके बता दियो, अगमला थरता है, राम राम, जय जवाहर, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।